छतरपुर जिले की पुलिस इन दिनों दुष्कर्म के मामलों में उलझती नजर आ रही है। वहीं शुक्रवार को एक महिला द्वारा महिला थाने आकर शिकायत दर्ज कराई गई कि तीन लोगों द्वारा जबरन उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। इस मामले को भी पुलिस अधीक्षक द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया और इस प्रकरण में युवा संत पर आरोप लगाने वाली महिला के पति सहित तीन लोगों के खिलाफ अपहरण दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पिछले तीन दिनों से छतरपुर और खजुराहो प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। ये सब लगातार दर्ज हुए दुष्कर्म के दो मामलों के कारण हो रहा है। शनिवार की दोपहर ओबीसी महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा बीते रोज ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सहित तीन पर दर्ज हुए अपहरण व दुष्कर्म के मामले में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां से सभी पैदल नारेबाजी करते हुए कोतवाली पहुंचे और उसमें जो उसका पक्ष का होगा उसकी जांच होगी। जांच के बाद प्रकरण में जो कार्रवाई होना होगी वो क्या क्या घटना होगी घटना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो तो आईडी लग गई ना यार, इसी वजह से थोड़ी 376 का एक प्रकरण कायम हुआ है। उसमें जो है कायमी के विरोध में हम लोग आए थे कि कृष्ण कुमार पटेल मेरा नाती है और वो मेरे गाँव के, मैं उसको जानता हूँ, उसके ऊपर फर्जी प्रकरण कायम हुआ है, उसकी जाँच के लिए साहब से हमने आवेदन आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा द्वारा चार सदस्यीय टीम को बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि आवेदन दो मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अपराध की श्रेणी में आते हैं, उसमें दर्ज किए गए, उसी में ही एक आवेदिका महिला थाने आई थी जिसके द्वारा तीन लोगों के विरुद्ध FIR गैंग रेप की कराई गई थी। इन्हीं का आवेदन ये था कि किसी द्वेष भावना से इस प्रकरण को कायम कराया गया है। इन सभी प्रकरणों की जिनकी चर्चा यहाँ पे चल रही है, एक SIT जिला स्तर पे गठित करके इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा। अभी से किसी गिरफ्तारी की गई है क्या, कोई गिरफ्तार इस मामले में? अभी विवेचना इसमें पूर्ण होगी, उससे पहले 164 के बयान जो न्यायालय में कराए जाते हैं वो कराए गए हैं, मेडिकल वगैरह सब कराए गए हैं और जो भी विधि सम्मत होगा इसमें किया जाएगा। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जिसकी शुरुआत खजुराहो थाने से हुई थी, जहां पर एक महिला द्वारा युवा संत लवलेश तिवारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। मृदुभाषी न्यूज के लिए छतरपुर से मनीष रुपोरिहा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।